सिरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां, नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। रसिका जी, आप अभी इसी वक्त अजीत को फोन लगाइए और पूछिए उसे कि वो कहाँ है। अजीत कहाँ हो तुम? पहुंच गए? ठीक है, अच्छा सविता देवी, बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ है। इसके साथ क्या हिस्सा? कमाल है सविता ताई, अभी तक आपके समझ में नहीं आया, आपकी बेटी ने शादी कर ली है मेरे बेटे के साथ। नहीं, मिसेस कामत देख रही है ना, यही है मेरा फैसला। महिला समिति का उद्देश्य है पीड़ित महिलाओं को उनका हक दिलाना, मैंने भी वही किया। अजीत के अत्याचार से पीड़ित हुई वंदु को मैंने अपने घर की बहू बना लिया और उसे अपना हक दिला दिया। मिसेस कामत, पिछले कई दिनों से अजीत को सजा देने की बातें चल रही थी, लेकिन वंदिता की जिंदगी सवारने की बात कोई नहीं कर रहा था। बदनाम तो वो हुई थी, उसका भविष्य दांव पर लग गया था, लेकिन मैं महिला समिति की अध्यक्षा होने के नाते ये बात मैंने जान ली और मैंने वंदिता से मेरे बेटे की शादी करवाई और उससे अपनी गलती का पश्चाताप करवाया। किसी ने सही कहा है, भलाई का तो तमाना ही नहीं रहा। देखो मां, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम वंदिता से बात कर लो। बोलो वंदिता, ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की है या हमारे दबाव में आकर की है? बोलो। हाँ, वो
बोलो वंदिता, बताओ सबको सच क्या है। घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बंधु, तुझे किसी के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं। किन लोगों ने तेरे साथ क्या किया बता, इन सबको बता। बिल्कुल डर मत, सबको सच से बता, तेरे साथ क्या हुआ है बंधु, बता बंधु। शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वंदिता मेरे घर की बहू बन गई है। चांगल संस्कार आणि लग्न झालंय तिचं, व्यवस्थित रीतसर। क्या मैं अपनी बहन से थोड़ी देर बात कर सकता? ठीक है, बात कर लीजिए। देख देख, मैं तेरा भाई हूं, तुझे बचपन से जानता। तू ऐसा कदम खुद से नहीं उठा सकता। तुम लोगों ने तुझे मजबूर किया। बोल। दादा, याद है आपको? आज सुबह मैं और आप मंदिर गए थे। आपको गैरेज के कुछ जरूरी काम से अचानक ही जाना पड़ा। मैं वहां अकेली रह गई थी। उस वक्त रसिका जी और अजीत वहां पर आए थे। था बेटा, कहती हो तुम? अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाली और ना ही अजीत को तेरे साथ बदतमीजी से पेश आने दूंगी। वैसे अजीत तो तुमसे बदतमीजी कर चुका है और उसके लिए माफी मांगने आई हूँ मैं। देख बेटा, मानो और अर्चना चाहते हैं कि अजीत को उसके किए की सजा मिले, इसलिए उन्होंने महिला समिति में कंप्लेंट भी दर्ज की है। देखो जल्द ही उसका फैसला होगा और शायद अजीत जेल चला जाएगा। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, अगर अजीत जेल में गया तो तुम्हारा क्या फायदा होगा? मेरा मतलब ये है कि अजीत के जेल चले जाने से तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस तो नहीं आएगी ना? ऊपर से अजीत तो बड़ा गुस्से वाला है। जिस दिन वो जेल से छूटा, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जीना वो हराम कर देगा। वैसे तो बदनाम हो ही चुके हो तुम। ऊपर से तुम्हारे लिए जीने लायक जो कुछ है वो भी छीन लेगा वो तुमसे, और देशमुख फैमिली को वो रास्ते पर ले आएगा। और तब जाकर भी उसे रोक नहीं पाऊंगी मैं। पंडिता, मैं भी चाहती हूँ कि अजीत को उसके किए की सजा मिले, लेकिन ऐसी सजा जो वो जिंदगी भर याद रखे। मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ ना, इस सारे झमेले से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम अजीत से शादी कर लो। इससे अच्छा और कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। मैं महिला समिति के सामने तुम्हें बहुत स्वीकार करूंगी, तब सारा
झमेला 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ तुम्हें वो सारे हक, वो सारे मान सम्मान दिला दूंगी जो एक अच्छे घर के बहू को मिलते हैं। और तुम्हें तुम्हें अपने फैसले पर पछताने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं है सब कुछ हजम करना, लेकिन क्या करें, तुम्हारे पास इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। वैसे अवकाश तो नहीं है तुम्हारी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। हाजी बेटा जरा इधर तो आना। तो तैयार है ना शादी करने के लिए? देखो अजीत हाँ बोल रहे हैं। बेचारा बहुत पछता रहे हैं अपनी गलती पर। फिर भी वंदिता मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, ये तुम्हारी जिंदगी है भाई। इसका क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो तुम्हें तय करना है। लेकिन बेटा तुम्हें एक बात बताती हूँ, लड़कियों के लिए बदनामी तो मौत से ज्यादा बदतर होती है। इसका अंदाजा तो पिछले कई दिनों में तुम्हें आ ही गया होगा। इसके ऊपर अगर तुम ना कहना चाहती हो तो फिर तुम्हारी मर्जी। एक बात तो तय है, तुम्हारी एक ना आने वाले दिनों में तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इतनी बदनामी देगी कि ना ही तुम उससे संभल पाओगे ना ही तुम्हारा परिवार। अरे तुम छोटे लोग कैसे लड़ोगे इस तूफान से? अब क्या करना है इसका फैसला तो तुम्हें ही करना है। चुप्पी को मैं तुम्हारी हाँ समझती हूँ, ठीक है? आज शाम को 6 बजे महिला समिति की मीटिंग है, उससे पहले ये शादी होगी। दादा दादा मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने जो भी किया वो करना बहुत जरूरी था, सिर्फ आप सबके लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी। पिछले कई दिनों से मैं देखती आई हूँ घर पर एक सन्नाटे का माहौल सा छाया हुआ है। आई बाबा काका फैली और आप सब ने मुझे कभी कुछ जताने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपकी खामोशी और मजबूरी को मैं महसूस कर सकती थी। दादा रिश्ते के लिए आई का लोगों को बार बार फोन करना, आई के फोन से पहले ही मेरी बदनामी वहां पहुंच जाती थी। आई का मेरे लिए बार बार चिंता करना, उसका बार बार रोना, ये सब मुझे खाए जा रहा था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था दादा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और जो हाल मेरा घर में था वही घर के बाहर भी। घर के बाहर जहाँ भी कहीं जाती लोगों की नजरें मुझे घूरती रहती, मुझ पर शक करती, मुझ पर उंगलियां रास्ता देखा।
आज जब आप लोग महिला समिति की मीटिंग के लिए निकले, मैं भी चुपचाप घर से बाहर निकल आई और मंदिर जा पहुंची। वहां जीत मेरा पहले से ही इंतजार कर रहा था। और मैंने उससे शादी कर ली और एक फेरी के साथ मुझे ये सुकून मिल रहा था कि अब मेरा घर, मेरे लोग सुरक्षित हो जाएंगे, बदनामी के साए से बाहर निकल आएंगे। कभी ना कभी किसी ना किसी से तो शादी करनी ही थी, पर अजीत से क्यों नहीं? कुछ भी हो लेकिन मैं ये शादी नहीं मानती। तो अभी बाहर जाएगी उनको अपना फैसला बदले। मेरा भाई है ना, सब कुछ ठीक कर देगा, सब कुछ। क्यों नहीं समझ रहे हो? इससे समझौते के आधार पर जिंदगी भर के रिश्ता नहीं बनते। तो फिर आप शादी से शादी क्यों कर रहे हैं बताइए? वंदु प्लीज, प्लीज ऐसा मत कर। प्लीज दादा, प्लीज प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए, मना मत करिए। मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती हूँ दादा, प्लीज प्लीज। आ गए बेटा, मानो तू इसे समझा दिया ना, ये तैयार हो गए ना शादी तोड़ने के लिए। चल हम निकलते इसे लेके घर चलते। ये शादी बंदू की मर्जी से हुई। नहीं, आई, आई, आई। अब कुछ नहीं कर सकते, ये रिश्ता हमें मान नहीं पाएगा। कांग्रेचुलेशंस रसिकताई, आज तो आपने वो काम कर दिखाया जो तारीफे काबिल है। अब तो आपका हक बनता है कि आप प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे। आइए अपना पदभार संभालिए, आइए बैठिए। अब वो तुम्हारे सासू माँ हैं। भाई नमस्कार कर दो। आशीर्वाद नहीं दोगी? हालांकि वो उम्र में तुमसे बड़ा है, लेकिन रिश्ते में तो तुम ही उससे बड़ी हो ना। समिति का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी अंदर की औरत को जगा दिया है
और सही फैसला लेने में मेरी मदद की है। देखो माँ, हम लोग अब घर जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने परिवार के साथ हमारे घर आ जाओ। बदकिस्मती से तुमने बंधु की शादी तो नहीं अटेंड की, उसका गृह प्रवेश तो देख लो, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। चले बंधु। बैठो गाड़ी में। बंधु बैठ जाओ। चलो जाओ। सविता ताई, माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों को अपनी गाड़ी में नहीं बिठा पाऊंगी। एक तो गाड़ी में जगह नहीं है और दूसरी बात तो ये है, एक तरह से ये बंधु की विदाई हो रही है और उसकी विदाई जिस गाड़ी में हो रही है उसी गाड़ी में उसके मायके वाले बैठे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और वैसे तो आप लोगों को ऑटो से आने वाली आदत है, तो ऑटो में बैठ कर हमारे पीछे पीछे आ जाएगा, ठीक है? जी मां जी। चलो अर्चना, चलो। शादी कर ली है।